कांग्रेस बिहार में हारी, गुजरात में सूपड़ा साफ हो गया, यूपी में 2% वोट के लाले पड़ गए, कर्नाटक में कांटा चुभ गया, मध्य प्रदेश में हवा खराब हो गई। और अब इन सब का असर पूरे देश में दिखने लगा है। ताबड़तोड़ चुनावी हार के बाद गोवा प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष उरफान मुल्ला ने पार्टी में दिशा और नेतृत्व की कमी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उरफान मुल्ला ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अपना दर्द बयां किया। मुल्ला ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस संगठन दिशा और नेतृत्व की कमी से ग्रस्त है। गोवा में पार्टी के पुराने नेता निर्णय लेने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। गौरतलब है कि उरफान मुल्ला के इस्तीफे से पहले पार्टी के 23 सदस्यों ने भी सोनिया गांधी को एक पत्र, पार्टी की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए और इस पर काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। पत्र में कांग्रेस कार्य समिति की तुरंत बैठक बुलाकर बिहार में चुनावी आकलन पर चर्चा करने और कथित तौर पर पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की मांग की है। इसके पहले भी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल सहित 22 नेताओं ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। रेडिफ पर प्रकाशित आर राजगोपालन की रिपोर्ट में बताया गया कि सीडब्ल्यूसी के 5 सदस्यों ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। कथित तौर पर पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि जब बिहार चुनाव प्रचार चरम पर था और यहां तक कि जिस दिन नतीजे आने थे उस दिन भी पार्टी का नेतृत्व करने की बजाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला में छुट्टियां मना रहे थे। पत्र में बिहार की चुनावी असफलता के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं द्वारा कई तरह की चिंताएं जताई गई। साथ ही अहमद पटेल ने कोरोना संक्रमण और महामारी के कारण नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में राजनीतिक गतिविधियां ठप होने को लेकर भी चिंता जाहिर की है। रेडिफ ने एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा कि क्या इस तरह की लापरवाही कोई और पार्टी कर सकती है जिसका राष्ट्रीय प्रभाव हो। रिपोर्ट में एक अन्य नेता के हवाले से पार्टी में पैदा शून्य को लेकर कहा गया कि कांग्रेस केवल प्रवक्ताओं के टेलीविजन बहस के सहारे ही चल रही है। कपिल सिब्बल ने भी फिर से कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि आलाकमान को लगता है कि सब कुछ ठीक है और उसका इरादा इसमें किसी तरह के बदलाव का नहीं है। अगर होता तो इसे लेकर अब तक मंथन चिंतन सब कुछ हो चुका होता। जो अब तक हुआ नहीं वह आगे भी होगा। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आरजेडी ने भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाने पर लिया और कहा यहां चुनाव चरम पर था और जनाब शिमला में मौज मना रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा तो प्रचार करने आई भी नहीं। आरजेडी की बातों में दम इसलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस ने जिन स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया था उनमें से कितने बिहार में प्रचार करने गए ये सबको पता है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट सिर्फ चुनाव आयोग के कार्यालय तक सिमट कर रह गई। मैदान में कोई नेता दिखाई तक नहीं दिया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।